हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। टुडेज डेट इज़ 14/5/2020। सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर, क्लास 5, बुक द ग्रामर राइट बुक, चैप्टर 3। ओके, टुडे वी विल रीड अबाउट द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। आज हम लोग डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में पढ़ेंगे। यू आर अवेयर दैट एडजेक्टिव चेंजेस द फॉर्म व्हेन वी कंपेयर थिंग्स। हम लोग को पता है जब हम लोग एडजेक्टिव को कंपेयर करते हैं तो क्या होता है, उसमें चेंजेस आ जाता है एडजेक्टिव में, राइट। जब हम लोग कोई भी चीज़ को हम लोग कंपेयर करते हैं तो उसमें क्या होता है, एडजेक्टिव्स का फॉर्म में क्या आ जाता है, चेंजेस। लेट अस रिवाइज हाउ द एडजेक्टिव सॉर्ट चेंजेस। हम लोग चले पढ़ते हैं कैसे एडजेक्टिव चेंजेस करता है। दिस इज अ हॉर्स, पॉजिटिव डिग्री। ये दिस इज अ हॉर्स, ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। द डियर इज शॉर्टर देन द हॉर्स। देखिए कॉम्पिटिटिव डिग्री। अब देखिए तो डियर को और हॉर्स को कंपेयर किया जा रहा है। अब डियर क्या है, हॉर्स से भी छोटा है, तो क्या होगा, शॉर्ट का क्या होगा, शॉर्टर। द डियर इज शॉर्टर देन द हॉर्स, वो क्या है, कॉम्पिटिटिव डिग्री। द डॉग इज द शॉर्टेस्ट ऑफ द थ्री। अब ये डॉग को अभी हॉर्स और डियर के साथ कंपेयर किया जा रहा है, तो डॉग क्या हुआ, शॉर्टेस्ट हो गया। द डॉग इज द शॉर्टेस्ट ऑफ द थ्री। अब ये क्या हुआ, ये हो गया आपका सुपरलेटिव डिग्री। समझ गए आप, यहाँ पे हम लोग शॉर्ट का चेंजेस देखेंगे, एडजेक्टिव फॉर्म में चेंजेस देखेंगे शॉर्ट का, ठीक है। जैसे देखिए हॉर्स क्या है, दिस इज अ हॉर्स, ये पॉजिटिव डिग्री में था। जब डियर का बात आया तो क्या हुआ, वो कॉम्पिटिटिव डिग्री हो गया, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट क्या हो गया, शॉर्टर हो गया। द डियर इज शॉर्टर देन द हॉर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए डॉग, अब डॉग क्या हो गया, डियर से भी सबसे छोटा हो गया, तो क्या होगा, द डॉग इज द शॉर्टेस्ट ऑफ द थ्री, ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री। तो अभी आप समझ गए, शॉर्ट का शॉर्ट क्या है, पॉजिटिव डिग्री, उसका कॉम्पिटिटिव डिग्री में क्या होता है, शॉर्टर। हम लोग क्या ऐड करते हैं, ER, और सुपरलेटिव डिग्री में क्या हो जाता है, वो शॉर्ट, शॉर्टेस्ट। इसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, EST, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान में दीजिएगा। शॉर्टर कंपेयर द टू एनिमल्स। शॉर्टर जो है वो दो एनिमल्स को कंपेयर कर रहा है, हॉर्स एंड डियर। द एडजेक्टिव इज इन द कॉम्पिटिटिव डिग्री। अभी इसमें जो एडजेक्टिव है ये क्या आपका कॉम्पिटिटिव डिग्री में। इट शोज अ हायर डिग्री ऑफ द क्वालिटी देन द पॉजिटिव डिग्री। इट इज़ यूज व्हेन टू नाउंस और सेट ऑफ नाउंस आर कंपेयर्ड। यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे देखिए जो शॉर्टर है वो टू एनिमल्स के बीच में कंपेयर किया जा रहा है, एक है हॉर्स और डियर, ठीक है। द एडजेक्टिव इन द कॉम्पिटिटिव डिग्री, यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो क्या आपका कॉम्पिटिटिव डिग्री में है। इट शोज अ हायर डिग्री ऑफ द क्वालिटी देन द पॉजिटिव डिग्री। ये क्या आपका पॉजिटिव डिग्री से भी हायर क्वालिटी ऑफ डिग्री प्रेजेंट कर रहा है, शो कर रहा है। ये कब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जब दो नाउंस या टू सेट्स ऑफ नाउन के बीच कंपेयर किया जा रहा है, कोई भी दो नाउंस के बीच कंपेयर किया जा रहा है, तब हम लोग कॉम्पिटिटिव डिग्री यूज करते हैं, ठीक है। अब शॉर्टेस्ट कंपेयर्स द डॉग विद द अदर टू एनिमल्स। अब जो शॉर्टेस्ट है ये दो और एनिमल्स के बीच कंपेयर किया जा रहा है। अब डॉग के साथ साथ किस किस को कंपेयर किया जा रहा है, हॉर्स और डियर को, ओके। दिस एडजेक्टिव इज इन द सुपरलेटिव डिग्री। ये जो शॉर्टेस्ट है ये क्या है आपका सुपरलेटिव डिग्री के फॉर्म में है। इट शोज द हाइएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी। ये कॉम्पिटिटिव से भी ये हाइएस्ट क्वालिटी ऑफ डिग्री दिखाता है, सुपरलेटिव। इट इज़ यूज व्हेन मोर देन टू नाउंस और सेट ऑफ नाउंस आर कंपेयर्ड। ये जब दो नाउन या उससे दो नाउन से भी ज़्यादा नाउंस के बीच कंपेयर किया जाता है, तब हम लोग सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव डिग्री में कोई चेंजेस नहीं होता, वो सिर्फ अपने एडजेक्टिव बताने के लिए होता है, ओके। और जब कॉम्पिटिटिव डिग्री हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या होता है, टू नाउंस के बीच कंपेयर करने के लिए, और सुपरलेटिव डिग्री मोर देन टू नाउंस के बीच कंपेयर करने के लिए हम लोग सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। सो वी सी दैट द एडजेक्टिव शॉर्ट एंड शॉर्टेस्ट आर यूज टू एक्सप्रेस कंपेरिजन। अब देखें यहाँ पे जो एडजेक्टिव हम लोग देखे हैं, शॉर्टर एंड शॉर्टेस्ट, ये क्या इस्तेमाल कर, ये दो एडजेक्टिव के बीच कंपेरिजन दिखा रहा है, राइट, शॉर्टर एंड शॉर्टेस्ट। तो शॉर्ट क्या है, पॉजिटिव डिग्री, और शॉर्टर है कॉम्पिटिटिव डिग्री, और शॉर्टेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री। तो हम लोग आज क्या आपके बारे में पढ़े, आज हम लोग पढ़े डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन के बारे में। जैसा एडजेक्टिव कैन बी चेंज इन टू मेनी फॉर्म्स, राइट। एडजेक्टिव को हम लोग बहुत सारे फॉर्म में बता सकते हैं, जब अगर उसमें कंपैरिजन होता है, तो हो सकता है उसमें सुपरलेटिव डिग्री हो या पॉजिटिव डिग्री हो या कंपैरेटिव डिग्री हो, गॉट इट। सो वी आर यूजिंग द एडजेक्टिव्स इन मेनी फॉर्म्स टू कंपेयर बिटवीन टू पर्सन और मोर देन टू और थ्री पर्सन और थिंग्स, राइट। तो ये आप समझ गए होंगे। तो हम चाहते हैं आप ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को आज आप घर में अच्छी तरह से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। प्लीज़ आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड इट, ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन आस्क मी, ओके, आई विल एक्सप्लेन यू वन सेकेंड, बट जस्ट फॉर टुडे इटसेल्फ आई वॉन्ट यू टू रीड दिस डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू दिस अबाउट, वी विल रीड ऑल दिस, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सब पढ़ेंगे। फॉर जस्ट फॉर टुडे
आई डोंट वॉन्ट टू हरी, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, विल गो स्लोली बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश कीजिएगा, ओके। आप ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ के जो एडजेक्टिव में चेंज ऑफ फॉर्म्स होता है वो किस प्रकार से होता है, पॉजिटिव डिग्री क्या है, कॉम्पिटेटिव डिग्री क्या है, सुपरलेटिव डिग्री क्या है, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। सो थैंक यू क्लास, दिस इज फॉर टुडे।